नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने आया हूं, वो मुद्दा बहुत टाइम से इल्लीगल तरीके से आपके 498A के केस में यूज़ किया जा रहा है और आप आंख बंद करके इस बहस को चलने दे रहे हैं। यानी कि आपका जो मुद्दा है वो लोअर कोर्ट से ही गलत तरीके से आपके खिलाफ लड़ा जा रहा है, प्रक्रियात्मक रूप से। मतलब प्रक्रिया गलत है, वहाँ प्रोसेस को मिसयूज़ किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है। आज का वीडियो इसी कंटेंट पे रहेगा। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एजुकेशन के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं। इन कोर्सेज में बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, टाइम पैसा दोनों बचता है और जल्दी से जल्दी केस से बाहर आने की रेमेडीज़ होती हैं। अच्छी चीज़ यह है कि जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया, अभी काफ़ी लोग अपना केस निकाल कर आ चुके हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और जिन लोगों ने शुरुआत की है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। अब वो उम्मीद पूरी पाल के चल रहे हैं कि हमें इन केसेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डिटेल मांग सकते हैं। आप अगर किसी समस्या में कानूनी सलाह चाहते हैं तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और फिर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के बात कर सकते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएँ मैसेज के थ्रू ही संपूर्ण की जाएंगी। दोस्तों, जो ये जजमेंट है, पहले इस पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये आपका 2019 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट तक ये जजमेंट जो गया है ये एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड गया है। यानी कि लोअर कोर्ट से लेकर ADJ से लेकर और ये हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया है और तीनों का निर्णय एक जैसा है। सिर्फ आपने आज तक अपील नहीं की, इसलिए आप परिणाम भुगतते हैं। मैं ज़रा अभी इस जजमेंट के बारे में बात नहीं करता हूँ, आपके दुखती नस के ऊपर हाथ रखता हूँ, उस दर्द को आपको भी महसूस कराता हूँ और समझाता हूँ कि अगर आपके इस पूरे मैटर में सामने से जो वकील साहब हैं वो नहीं हो तो ये केस क्या मजबूत रह सकता है। सबसे बड़ी बात, इतनी सारी बातें आई कहाँ से आपकी पत्नी को, इतने आइडियाज़ कहाँ से आए, इस सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब अपने आपको दे दीजिएगा। तो अगर वकील साहब वहाँ नहीं होते हैं तो उस सूरत में आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि केस आसानी से और सीधा होगा और मजबूती से लड़ा जाएगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शन आज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ इस पूरे जजमेंट के कंटेक्स्ट में। देखिए, ADJ साहब के पास जब ये मैटर गया तो वहाँ पर से उन्होंने उनके वकील को अलाउ नहीं किया कोर्ट के अंदर, यानी कि जो पत्नी थी एक विधवा थी और उसके पति के मर्डर का केस था, पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं 498A में, विचलित ना हो इसका रेफरेंस 498A में भी ले सकते हैं। तो विधवा पत्नी ने इस पूरे मैटर के अंदर बाकायदा, आपको भी पता है कि जब जहां भी चार्जशीट होती है तो वो जो केस होता है, यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस जब चार्जशीट बनाती है तो वो जो केस होता है वो उसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है, और वहाँ पर पति के खिलाफ पत्नी को, मैं 498A के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, ऐसे तो सभी जगह पर कॉमन ही है प्रोसीजर, पर यहाँ पति पत्नी ना बोल के मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि जो एक्यूज़ है यानी रिस्पॉन्डेंट है उसके खिलाफ केस जो लड़ने का राइट है वो सरकारी वकील को होता है, जिसको आप PPB बोलते हैं, और वो आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर ज़रा बहस और सवाल पूछते हैं। यानी कि ये राइट सिर्फ उन्हें है अगर वहाँ पर आपकी पत्नी के साथ या जो पिटिशनर हैं उनके साथ अगर कोई व्यक्ति वकील की तरह खड़ा होकर, प्राइवेट वकील की तरह खड़ा होकर जिरह कर रहा है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि ये बात चैलेंज हुई, ADJ साहब ने भी अलाउ नहीं किया, उसके बाद ये मैटर चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर भी इसे सही ठहराया गया कि बिल्कुल सही निर्णय है, वर्सेस स्टेट है, तो वर्सेस स्टेट जहाँ स्टेट इन्वॉल्व हो गया तो पहले से स्टेट ने अपनी तरफ से पूरी कार्यवाही करने के लिए वहाँ पर PB साहब को नियुक्त कर दिया। फिर सरकारी वकील के इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पूरे मामले को ध्यान से सुना तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, दोनों कोर्ट्स ने सही फैसला दिया है, और मैं भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी स्टैंड पे कायम है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात थोड़ी और क्लैरिफाई की गई कि देखिए सब प्रोसीजर यही है कि जहां पर चार्जशीटेड होने के बाद केस वर्सेस स्टेट हो जाता है तो उस पोजीशन में सरकारी वकील को ही जिरह करने का, सवाल पूछने का जो रिस्पॉन्डेंट है उनसे हक है। कोई भी प्राइवेट वकील बकायदा पिटिशनर के साथ आकर कोर्ट में जिरह या बहस नहीं कर सकते, उन्हें बाहरी तौर पर यानी कोर्ट से बाहर एक न्याय मित्र के रूप में सलाह दे सकते हैं, पर वो अलाउड नहीं है, यानी अलाउड नहीं है प्राइवेट वकील। अब क्या होता है कि एक सूरत और बनती है कि जब पार्टी संतुष्ट नहीं है, जिसे हम कहते हैं पिटिशनर जब संतुष्ट नहीं है सरकारी वकील की कार्रवाइयों से और पूछताछ से, तो ऐसे में कुछ सवाल पूछ बनाकर देने के लिए बकायदा उन्हें जो है 311 जो है उसके अंदर सेक्शन में अलाउ किया जाता है कि प्राइवेट वकील को पार्टी की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से, कि वो अपने सवाल, अगर उन्हें लगता है कि इन तरह से जो सवाल सरकारी वकील ने पूछे हैं उनकी उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो अपने सवाल बनाकर कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि सवाल पूछने का भी राइट नहीं है, पर अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो वो सवाल बनाकर पूछ सकते हैं। परंतु फिर भी एक स्टेप
वो आगे नहीं बढ़ सकते सवाल पूछने के अलावा। यानी सवाल तो लिखित में दिए जा सकते हैं पर पूछे नहीं जा सकते, यानी जो बहस करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, उसका राइट फिर सरकारी जो वकील साहब हैं उनके पास ही आ जाता है। यानी कुल मिलाकर प्राइवेट वकील का रोल लगभग नगण्य होता है, जीरो होता है। और आप अगर शुरुआत से इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन डाल के चलेंगे तो आपकी पत्नी एक सिंपल केस को ही फेस कर रही होगी, कॉम्प्लिकेशन आपके लिए नहीं होगा, सिंपल सा केस बन जाएगा। ये ऐसा केस होगा जिसमें सब कुछ साबित करना आसान है, लंबा नहीं खींचेगा, लंबा नहीं चलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि झूठ का इन्वॉल्वमेंट जो बहुत ज़्यादा आपके केस में डाल दिया गया है उसको दूध का दूध और पानी का पानी करना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। कैसे ये वकील साहब का जो रोल है ये कम होता है आपको समझ में आया तो आप इसके अंदर कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। और इस जजमेंट की कॉपी आप अपने, अब अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब ये तो केस इस तरह से, तो उसको पहले पूरे जजमेंट को समझिएगा। इसमें रूलिंग्स भी दी गई हैं, इसमें पूरी डिटेल में रूलिंग्स हैं, आपको समझ में आएगी कि हाँ कैसे इसको बकायदा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसको समझिए और समझने के बाद इसको आप अपने केस में आगे एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे, इफेक्टिव रहेगा। रिजल्ट हमारे कई पहले व्यूवर्स ले चुके हैं, मेरे पास इसका रिस्पॉन्स भी है और काफ़ी लोगों को ये फ़ायदा मिला है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि वहाँ पर सीधा सीधा केस चलता है, पत्नी वहाँ जो हावी होने की कोशिश कर रही होती है वो कमज़ोरी में आती है और झूठ का झूठ बाहर आता है, जैसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको क्या स्टेप लेना है अपने केस में आगे।